जननायक जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन करनाल मेरठ रोड पर किया गया, जिसमें जननायक जनता पार्टी किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और करनाल जिले के किसान सेल के कार्यकारिणी के गठन पर जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सांगवान को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार हर तरफ से फेल हो चुकी है और लोगों ने एक नारा दिया है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में सामने आकर प्रदेश में सरकार बनाएगी और किसानों के साथ हो रहे अन्याय एवं उनकी समस्याओं का मुख्य रूप से निदान किया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष नरेंद्र सांगवान ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत कर बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। आज जननायक जनता पार्टी किसान सेल करनाल इकाई का गठन किया गया है तुलसी चौटाला जी की सलाह मशिवरा से, और ये हमारे बीच में नरेंद्र सांगवान जी जिले के अध्यक्ष और हरी सिंह सिंधो जी किसान सेल के जिला अध्यक्ष और बाकी सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और आज की राजनीतिक हालात के ऊपर चर्चा की गई। आज प्रदेश के अंदर काफ़ी अफरा तफरी का आलम है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा दिक्कत में है, माता बहन है की बेइज्जती हो रही है, उनके साथ मजदूर बीमार हो रहे हैं और रोजगार नामी कोई चीज़ प्रदेश में है नहीं और भ्रष्टाचार का आलम ये है। इसका एक तरीका बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आज धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी बाहर की तरफ निकल रहा है। पिछले लोकसभा के चुनाव में एक बात थी, मोदी तेरे से बैर नहीं है, खट्टर तेरी खैर नहीं, तो भी आने वाले विधानसभा चुनाव में खट्टर को लोगों ने नकार दिया है और आने वाले चुनाव में इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम हरियाणा जनता करेगी। हाँ जी, आज की मीटिंग के बारे में, आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा किसान सेल की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किसान सेल के राजकुमार रिडाउ जी उनकी उपस्थिति में उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने अपने जिला की कार्यकारिणी का गठन किया है। मैं सर्वप्रथम तो सभी चुने हुए पदाधिकारियों को अपनी तरफ से और दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, सरदार निशान सिंह कम्बोज जी की तरफ से और राजकुमार जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि किसान सेल के जितने भी चुने हुए पदाधिकारी हैं वो जननायक जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने का काम करें। जननायक जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी हम उनको प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे, उन नीतियों का प्रचार गांव-गांव में जाकर, गली मोहल्ले में जाकर, हर वार्ड सत्र पर जाकर उनका प्रचार करें ताकि पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी आने वाले समय में क्या काम करने जा रही है उसके बारे में लोगों को पता चल सके कि इनकी सरकार बनने के बाद हम ये काम करने जा रहे हैं। बाकी विस्तार से राजकुमार जी आपको बता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।